हाय, कैसे हो माय डियर लवली फैंस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कि सबसे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा तो कैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर कल के डेट के बीच में हमने जो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड दी थी, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम किया है। गैस यहाँ पर कल के डेट के बीच में हमने यहाँ पर पोलका डॉट का जो ट्रेड आपको यहाँ पर दी थी, और गई जो पोलका डॉट का जो ट्रेड है शॉर्ट ट्रेड हमने यहाँ पर दी थी, और गई उसका जो टोटल जो टारगेट है कल के डेट के बीच में डन हो चुका है। यानी कि गई यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे के बीच में जो टोटल टारगेट है हमारे यहाँ पर डन हुआ, और गैस यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। उसी के साथ ही साथ गैस यहाँ पर हमने जो आरबी ट्रेड दी थी, यहाँ पर एआर का जो हमने लॉन्ग की ट्रेड दी थी, यहाँ पर टोटल टारगेट डन हुआ, हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसी के साथ ही साथ गैस यहाँ पर हमने सीएफएक्स का ट्रेड दी थी, यहाँ पर भी उसका भी पूरा जो टारगेट से डन हुआ। उसी के साथ ही साथ गैस हमने यहाँ पर और एक ट्रेड दी थी, जिसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो जो गैस हमारा यहाँ पर ट्रेड है AGIX, इसका भी टारगेट डन हुआ है, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो गैस ये होता है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड के बीच में अगर हम 10x लेवरेज के साथ भी लेते हैं, अगर कॉइन 2% भी पंप होता है, तो गैस हमें यहाँ पर जो 20% का जो प्रॉफिट है हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। फ्यूचर ट्रेड के बीच में हालांकि थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद फिर मैं आपको ट्रेड देता हूँ, ताकि कैसे हमारा जो ट्रेड है यहाँ पर फेल ना हो। टोटल हमने 18 फ्यूचर ट्रेड दी हैं, उनमें से जो 16 ट्रेड है हमारा यहाँ पर सक्सेस हुआ है, 2 ट्रेड यहाँ पर फेल हुआ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मस्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो, अगर आपको क्रिप्टो से अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक करना है। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज का जो वीडियो है बेबी डॉट कॉइन के ऊपर होने वाला है। बेबी डॉट कॉइन को लेकर क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो के बीच में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है डे बाय डे डंप जाते हुए नजर आ रहा है, तो बेबी डॉट कॉइन के अंदर फिर से कब हमें बंप देखने के लिए मिल सकता है, उस पर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं कैसे जो वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन कैसे इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब इस समय के बीच में क्रिप्टो मार्केट के अंदर नजर डाल के देखें तो 1.19 ट्रिलियन पर जो मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है, 0.95% मार्केट यहाँ पर डंप जाते हुआ नजर आ रहा है। ऑल्टकॉइन के अंदर नजर डाल के देखें तो कुछ कुछ ऑल्टकॉइन के अंदर अभी भी हमें जो यहाँ पर ग्रीन जोन देखने के लिए मिल रहा है, बाकी कैसे यहाँ पर कोई हमें टेंशन यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है। ऑल्टकॉइन को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोलका डॉट का जो प्राइस है अभी इस समय के बीच में, जो कि इस यहाँ पर 6.41 डॉलर पर अभी समय के बीच में आ चुके हैं। पोलका डॉट का जो हमने ट्रेड दी थी, ज़बरदस्त तरीके से काम किया कल के डेट के बीच में, और कैसे हमें यहाँ पर अच्छा खासा जो प्रॉफिट है पोलका डॉट के बीच में मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं बेबी डॉट कॉइन की, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी समय के बीच में बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है 3.79% यहाँ पर प्राइस डंप जाते हुए नजर आ रहा है। करंट प्राइस की बात करें 0.8 टाइम 0 के साथ 13 पर जो प्राइस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है 29 सीरीज पर चला गया था। यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर नजर डाल के देखें ना, तो यहाँ पर हम चार्ट में आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं 7 दिन का डाटा ओपन करता हूँ, क्योंकि 7 दिन के बीच में बेबी डॉट कॉइन के अंदर अच्छा खासा पंप आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते कि बेबी डॉट कॉइन का जो लिस्टिंग होने के बाद, लिस्टिंग का जो अनाउंस हुआ था, उसकी हाइप के कारण जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस यहाँ से पंप हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ गया, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बाईबिट के ऊपर लिस्ट हुआ, यहाँ पर अनाउंस हुआ था तो प्राइस अच्छा खासा पंप हुआ। यहाँ पर जिससे लिस्ट हुआ उसके बाद में फिर से हल्का सा पंप आया, जितना कि पंप यहाँ पर हाइप के कारण आया था उतना पंप जो कॉइन लिस्टिंग के बाद यहाँ पर नहीं हुआ, और उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ, कॉइन का जो प्राइस है फिर से धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे। तो अभी समय के बीच में मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है, अगर मार्केट ठीक होता है तो हल्का फुल्का सा जो पंप आ सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है करीब गैस यहाँ पर इस एरिया के बीच में बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है आ सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, करीब इस एरिया के बीच में बेबी डॉट कॉइन का जो प्राइस है आ सकता है, यहाँ पर यहाँ तक भी बेबी डॉट कॉइन का प्राइस आ सकता है। उसके बाद में बेबी डॉट कॉइन के अंदर हमें कहीं ना कहीं पंप देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो 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 भैयों ने ट्रेड ली थी यहाँ पर, जिससे उनका
अपडेट निकल के आया था लिस्टिंग का, तो लोग अभी इस समय के बीच में प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और आज के दिन में मार्केट थोड़ा सा डंप गया है तो लोग यहाँ पर डरने लगेंगे और भी प्रॉफिट को अपना बुक करेंगे और बेबी डॉस कॉर्न का जो प्राइस है और भी गिर सकता है। तो अभी समय के बीच में बाइंग बनाना मेरे लिए सही टाइम नहीं है, 26 सीरीज पर बाइंग बनाना सही टाइम नहीं है, क्योंकि जब एक मीम कॉइन है हबकी करण पंप होता है फिर से नीचे की तरफ चले जाएंगे। बेबी डॉस कॉइन की न्यूज अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीम एट नेबिस टोकन हैज पार्टनर्ड विद बेबी डॉस स्वाइप टू लॉक 12% ऑफ देयर सप्लाई फॉर 1 ईयर। तो इस यहाँ पर देखा जाए तो बेबी डॉस कॉइन के लिए बात करें तो काफ़ी बड़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि इस यहाँ पर जो नेबिस टोकन का जो टीम है उन्होंने यहाँ पर बेबी डॉस स्वाइप के साथ पार्टनरशिप किया और इस पार्टनरशिप करने के बाद उनका जो यहाँ पर सप्लाई है उसका 12% जो सप्लाई है बेबी डॉस स्वाइप के बीच में लॉक करना चाहते हैं पूरी 1 साल के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेबी डॉस कॉइन के लिए काफ़ी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो स्वाइप बेबी डॉस स्वाइप जिस तरह से आया, बेबी डॉस स्वाइप जैसे लॉन्च हुआ तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जो बेबी डॉस कॉइन के अंदर हमें पंप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पर बेबी डॉस का बन पोर्टल भी लेके आया तो बन पोर्टल के बीच में भी काफ़ी तेज़ी से जो बेबी डॉस कॉइन का जो बर्निंग वगैरह हो रहा है, तो जिस हिसाब से यहाँ पर बर्न हो रहा है तो बेबी डॉस कॉइन का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वैसे आज की इस वीडियो के बीच में कुछ अपडेट था, आई होप कि जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माय डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना।